हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम लोग करने वाले हैं रेविट के अंदर कि किस तरीके से कोई जाली पैटर्न अप्लाई होता है आपकी किसी भी, जैसे इस एरिया के अंदर मैंने यहाँ पे एक जाली अप्लाई की गई है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई होगी, कैसे वो हम यहाँ पे विजिबल करवा सकते हैं, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ये जो पैटर्न है ये आपके पास होना चाहिए, इन द सेंस कि दिस इमेज, कि वो इमेज जिससे इस जस्ट लाइक दैट कि ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको इस तरीके के पैटर्न की डाउनलोड करनी है, या तो इस तरीके का पैटर्न है या कोई डिफरेंट टाइप का। एग्जांपल के लिए मैं वो पैटर्न जो है वो डाउनलोड करती हूँ। यहाँ पे गूगल के ऊपर मैंने सीधा यहाँ पे टाइप किया है जाली वॉलपेपर्स एचडी के अंदर मैंने जाके यहाँ पे इस तरीके के मेरे पास पैटर्न आए। इन पैटर्न को आप डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस पैटर्न को पिक किया हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पैटर्न दिखाए गए हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छा और सुटेबल लगता है, जो भी आपको आपके डिज़ाइन के अंदर यूज में लेना है, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। आई जस्ट हैव टू जस्ट लाइक दिस कि मुझे कुछ इस तरीके का या फिर ये वाला पैटर्न मुझे अप्लाई करना है अपने डिज़ाइन के अंदर, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके सेव एज इमेज किया। सेव एज इमेज करके मैंने अपने डायरेक्टरी में जाके इसको सेव कर दिया जाली वन करके, राइट। आई जस्ट हैव टू क्लिक इट हियर एंड जेपीजी फॉर्मेट में ये सेव हो चुका है। मैंने इसको मिनिमाइज किया एंड मेरे पास जस्ट लाइक दिस कि ये कोई प्रोजेक्ट है, मैंने इसमें ऑलरेडी एक जैसे पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब इसके अंदर आपको डायरेक्ट मैं शुरुआत से बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे जितना भी आपका एरिया है वहाँ पे आपको एक वॉल बनानी है, वॉल, बेसिक वॉल, नॉर्मल वॉल। आई जस्ट हैव टू डिलीटेड दिस। तो देखिए आपका खाली एरिया बच गया। इस एरिया के अंदर अगर आपको पूरी की पूरी वॉल बनानी है तो आप इसका लेवल जाके चेक कर लीजिए कि किस लेवल के ऊपर ये जो आपकी ओपनिंग है ये हो रखी है। आपको ये जो है ये लेवल नंबर 4 के आसपास दिखेगी। अगर ये इस पे भी नहीं दिखते तो आप यहाँ पे लेवल पुटअप कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये नजर आ रही है। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर पे जाना है, वॉल लेनी है, वॉल पिकअप करनी है, कैंसल इट, एंड यहाँ पे आपको बेसिक वॉल लेना है। कोई भी बेसिक वॉल ले लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक दिस ये वाली ले ली। इसको आप थिकनेस बहुत कम दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे माइनर, जो आपके ग्लास की थिकनेस आप रखना चाहते हो ना, तो वो ग्लास जो आपकी जाली की थिकनेस रखना चाहते हो वही थिकनेस आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच लिए, 2 इंच भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया उस वॉल को, स्केप, 3D में चलते हैं। 3D में जाने के बाद इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसको मैंने स्ट्रेच करवा दिया यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ओके, ये देखिए अब इसके ऊपर ये ऑलरेडी क्यों लगा हुआ आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि इस वॉल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक मटेरियल लगाया हुआ है। मैं इस मटेरियल से इसको बाहर निकालती हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट किया, एडिट, और मैंने यहाँ से जाके इसका मटेरियल रिमूव कर दिया। नॉर्मल मटेरियल होता है इसमें, बाय डिफॉल्ट जब आप कोई बेसिक वॉल बनाएंगे तो उसमें नॉर्मल मटेरियल होता है। ये देखिएगा कुछ इस तरीके का आपका ये वॉल जो है आपको शुरुआती उसमें जब आप बनाएंगे तो नजर आएगी। अब इसके ऊपर आपको जाली टाइप पैटर्न अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे कटिंग वगैरह करेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उस तरीके का पैटर्न एग्जैक्ट निकल भी नहीं पाता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए आपको सीधा सीधा एक मटेरियल ऐसा क्रिएट करना है जिसके अंदर वो पैटर्न अप्लाई हो रखा है। हम लोग चलते हैं मैनेज के अंदर। उससे पहले मैं उस इमेज को जो आपने डाउनलोड की थी उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैंने ये वाली इमेज अपनी बनाई थी, इसको मैं क्रॉप कर लेती हूँ। ये जो इसका ब्लैक ब्लैक रीजन है ना, इसकी बाउंड्री जो ब्लैक ब्लैक है, मेरे को ये रिमूव करनी है। तो आप यहाँ पे इसको क्रॉप कर लीजिए, चाहे तो आप पेंट में ले जाके क्रॉप कर लीजिए, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में ले जाके आप क्रॉप कीजिए। मैं इसको यहीं पे क्रॉप कर रही हूँ। आई जस्ट पुट इट हियर, ये लीजिए। ओके एंड डन। डन करने के बाद में मैंने इसको सेव एज कॉपी किया
आप चाहे तो उसी नाम से सेव कर दीजिए, चाहे कोई दूसरा नाम रख लीजिए, मैं उसी नाम से इसको सेव कर रही हूँ, रिप्लेस इट। ओके, कुछ इस तरीके का हो गया। देन आई जस्ट क्रॉस इट एंड क्रॉस इट। अब यहाँ पे मुझे वो मटेरियल अप्लाई करना है, तो वो मटेरियल बनाते हैं अभी। अब मैनेज पे चलते हैं, मटेरियल्स। मटेरियल्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्रिएट अ न्यू मटेरियल किया। इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसका नाम डाला, जाली पैटर्न। ओके, अब इसके ऊपर टिक करते हैं, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जो भी आपको जाली का कलर रखना है वो यहाँ से सेट करेंगे। एग्जाम्पल, मैं यहाँ से ये वाला थोड़ा डार्क शेड के अंदर कलर रखना चाहती हूँ, तो मैंने इसका कलर कुछ इस तरीके का ऐड कर दिया। हो गया। अभी आपको कहाँ पे जाना है, आपको ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपको इमेज पे क्लिक करना है। इमेज आपको वो वाली पिक करनी है जो पैटर्न आपको अप्लाई करना था। मैंने यहाँ से जैसे ये वाला पैटर्न पिकअप किया एंड ओपन किया, ये पैटर्न इस मटेरियल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, साइज इसका बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं एक बार इसको अप्लाई करके आपको बता देती हूँ। अप्लाई, ओके, एंड सेलेक्ट दिस, एडिट एडिट, एंड देन यहाँ पे आप जाके और जाली पैटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ओके ओके एंड ओके। सी, यहाँ पे देखिए, ये जाली के पैटर्न तो बन गए, बट बहुत ज़्यादा स्मॉल बने हैं। अगर इनको रिसाइज करना हो तो आप मटेरियल्स के अंदर जाइएगा, जाली पैटर्न के अंदर गए, अपेयरेंस में गए, और यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं, ये आपका साइज देखिए इसका ओपन हो जाता है। मैं अगर इसका साइज यहाँ पे रखती हूँ 5 फिट, आप इसको ऐसे भी चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे 5 फिट बाई 7 फिट का रखना है। डन इट। ये देखिए, इसका साइज अपने आप ही चेंज हो गया, नजर आ रहा है। इस तरीके का ये जाली पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब अगर मैं इसको रेंडर करके देखूं तो आपको नॉर्मल रेंडरिंग निकल के आएगी यहाँ पे। लेट मी शो यू, एक्सटीरियर सन ओनली के अंदर मैं कर रही हूँ, मीडियम रेंडरिंग करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको नजर आएगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, इसके दूसरे साइड का भी आपको जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो नजर आ रहा है, और इसमें पैटर्न भी आपका अच्छे से क्रिएट हो गया है। तो ये होता है आपका यहाँ पे क्रिएट करने का तरीका, कि किस तरीके से आप जाली क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। आप कोई भी पैटर्न यहाँ पे जस्ट डाउनलोड द इमेज एंड अप्लाई ऑन दिस, राइट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस अपडेट होती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।